शिविर थी। नारगोल कोई बम्बई से मेरे ख्याल से 5-6 घंटे की ड्राइव पर सूरत की तरफ समुद्र के किनारे पर वहाँ पर शिविर थी। बहुत ही सुंदर जगह थी वो। शिविर के बाद मुंबई से कई मित्र अपने कार्स में आए थे, तो तय हुआ कि ओशो भी कार में वापस चलेंगे। और सबको ये था भाव कि ओशो मेरी कार में बैठेंगे तो एक ही कार में। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि जो सबसे कंफर्टेबल कार है उसमें उनको बिठाएंगे। तो एक कार में बैठे और उसके पीछे 3-4 कार और चली, मैं भी एक कार में थी पीछे। तो मेरी कार जो चला रहा था सन्यासी, बहुत स्पीड से ले रहा था कि ओशो को कैच करे उनके पीछे पीछे चलने करके। थोड़ा समय चलने के बाद अचानक हमने देखा कि जिस कार में ओशो थे वो कार सड़क के किनारे रुकी हुई है और ओशो कार से निकल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। तो उसने अपनी कार रोकी, हम उतरे कि क्या हुआ, तो पता चला कि वो कार ब्रेक डाउन हो गई है। तो मैं उस कार से उतर आई और ओशो उस कार में बैठे। फिर पीछे जो कार्स आ रही थी मैं दूसरी कार में बैठ गई। फिर कुछ किलोमीटर चलने के बाद फिर वही घटना हुई कि देखेगी कार खड़ी है और ओशो सड़क के किनारे खड़े, ये क्या हुआ। फिर वो पीछे वाली कार्स रुकती हैं तो वो कार भी ब्रेक डाउन हो गई थी। फिर सब लोग ऐसे थे कि कोई कार से उतरना नहीं चाहता था, उनको लगता था ओशो बैठेंगे कार में तो हमें उनके साथ बैठे, तो मुझे लगता था उनकी कंफर्ट देखनी है, तो मैं ही दूसरी बार भी उतर गई वो बैठे। ऐसे करके हम बम्बई पहुंचे। और उसके बाद जब शाम को ओशो से मिलना हुआ तो किसी ने ये बात उठाई कि आज ऐसा कैसे हो गया कि कार ब्रेक डाउन हो रही थी। तो ओशो ने ये कहा कि तुम सब उसका कारण हो, इसमें कार का कोई दोष नहीं है, तुम सबको भाव था ना कि मैं तुम्हारी कार में बैठूं। तो बोले मेरे पास हो तो ऐसे समझो कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो, कुछ भी सोचोगे तो वो गा करके, तो थोड़ा ख्याल रखो इस बात का, सोच समझ के सोचो क्या सोच रहे हो। ऐसे करके ओशो ने तरह की सबको चेतावनी दी और सब एकदम सकते में छा गए थे, चुप हो गए थे, ये बात तो सच्ची है, अब सब भाव कर रहे थे कि हमारी कार में बैठे। Thank you.